ऐसे टिक जाएगा, क्या जरूरत पड़ गई इस चीज की। मैंने कहा भाई इसकी अगर जरूरत नहीं पड़ी है तो फिर मुझे और तुम्हें कौन पूछता है, अमिताभ बच्चन से ऐड करा लेंगे, आपकी जरूरत क्या है। लेकिन उस बंदे के फेस एक्सप्रेशन को देख के मुझे लगा कि उसका स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा है, और वो कई बार आपके ऊपर भी आ जाता है, उसकी शक्ल देख के आपको भी अंदर से गुस्सा आ जाएगा, गुलगुली मच जाएगी, कुछ हो जाएगा। वो लेवल आपके लिए भी बड़ी परेशानी है। ऐसे लोगों को छोड़ दो आप, सबसे बेटर ऑप्शन है ऐसे लोगों को छोड़ दो। दोबारा ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है, जितने बार ट्राई करोगे उतना बार आपका लेवल हाई होगा, टेंपर हाई हो जाएगा। जिन लोगों को आप बना सकते थे पता लगा वो भी चले गए। जो देखिए एक चीज होती है, जो निश्चित चीजें होती है ना, जो निश्चित चीजें होती है, जो फिक्स है वो फिक्स है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अनिश्चित की तरफ भागते हैं। अब अनिश्चित हुई, एक नौकरी है आपकी, अच्छी खासी नौकरी है, आपको 50,000 का सैलरी मिल रहा है, और आपको पता लगा कि जी दूसरी कंपनी में 60,000 की नौकरी मेरे को ऑफर आ रही है। आपने 50,000 की नौकरी छोड़ के 60,000 की नौकरी में चले गए, और पता लगा 60,000 की नौकरी में आप गए तो निश्चित 10 साल से काम कर रहे हैं आप, 50,000 की नौकरी मिल रही है, फर्स्ट क्लास माहौल अच्छा, सब सेटिंग अच्छी, और आपने 60,000 की नौकरी ज्वाइन कर ली, और वहां पे आपको इरिटेशन होने लगे लोगों से, नए लोगों को सेट होने लगे, वहां इरिटेशन होनी शुरू हो गई, और वहां आपको जॉब छोड़ना पड़ गया। तो जो निश्चित था उसको तो आपने छोड़ दिया, अनिश्चित तो अनिश्चित ही होता है, तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो क्या है निश्चित नहीं है, जो निश्चित है उसके पीछे भागे, और वो जो आपको इरिटेट करता है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा पता है। कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो आपको पकड़ेगी ना, आप उसको छोड़ेंगे नहीं, डिजीज आपको छोड़ेगी नहीं। तो ये चीज होती है, अगर हम ठीक रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने सोच को बदलना पड़ेगा। सोच को बदलने का मतलब है आपको ये सोचना है कि मैं हेल्दी हूं, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बीमार हूं। अगर आप एक पर्टिकुलर बीमारी को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने 80-90% केसेस में मैंने ये देखा है कि अगर एक आदमी अपने बीमारी को इग्नोर करना शुरू कर दे तो भी ठीक हो जाता है। ऐसा केसेस कम ही नहीं है ऐसे केसेस की। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, बुखार हो गया आपको, एक जनरल एग्जांपल बताता हूं, बुखार हो गया आपको, आप डॉक्टर के पास गए, 4 दिन आप उसे इलाज कराते हैं, बुखार नहीं उतरा, डॉक्टर आप बदल देते हैं, 5वें दिन आप किसी और डॉक्टर के पास, उसने वही दवाई दी और आपका बुखार उतर गया, तो आप तो खुश हो गए भाई, बुखार को ठीक होने में 5-7 दिन तो ऐसे ही लगता। अब उस डॉक्टर को चेंज नहीं करते तो भी लगता, और चेंज कर लिया तो भी ठीक तो होने 7 डेज का उसका पीरियड होता, ठीक है। तो चीज क्या होती है कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा उत्तेजना में आ जाते हैं कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर हम लाइफ में ये हो जाएगा वो हो जाएगा चक्कर में पड़ेंगे, ये डेफिनेट है कि आपको बीमारी आएगी। आप बीमारी को रोके कैसे, सबसे पहले अपने सोच जो है ना, सोच को बदलो। बार बार हम लोगों की इधर उधर लिखा होता है सोच बदलो सोच बदलो, तो सोच बदलने का मतलब है हमें स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, फिजिकल तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब देखिए जॉइंट पेन, नॉर्मली हम केसेस हमारे पास क्या आते हैं जॉइंट पेन के, अगर हम टाइप के बारे में बात बोले तो बताए गाउट। अच्छा चलिए नॉर्मल अगर हम बोलते हैं अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस और गाउट में कोई फर्क है क्या, समझना पड़ेगा है ना, समझना पड़ेगा फर्क है। अर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। अब
अगर arthritis, arthritis की बात करें तो 200 टाइप के arthritis होते हैं, 200 टाइप ऑफ arthritis इज देयर, 200 टाइप के arthritis अवेलेबल है, जिसमें मोटा मोटा एक बार बात करते हैं कि gout arthritis, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosis और bursitis. इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए एक कॉमन सी बात होती है कि माँ को मोदी केयर में इतने दिन हो गए, हम उठा के सीधा क्या करते हैं, ग्लूकोसामाइन दे देते, क्या देते हैं, ग्लूकोसामाइन. और एक चीज मैं यहां देखना भूल गया, एक है रेड जिनसेन, रेड जिनसेन. अब आपने क्या किया, ग्लूकोसामाइन दे दिया, और ग्लूकोसामाइन आपने दिया, और अगर आप ये सोच रहे हैं ग्लूकोसामाइन देने से उसका रिमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक होने वाला है, तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस ग्लूकोसामाइन से ठीक नहीं होगा. हम दिमाग में क्या लगाते हैं, जॉइंट पेन है, चलो उठाओ ग्लूकोसामाइन दे दो. अगर आप वहां पे इसको ग्लूकोसामाइन की जगह फ्लेक्सॉइल दे देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा. क्यों रिजल्ट आएगा हम अभी डील करेंगे. अगर आपने गाउट है, देखिए अब मैं एक एक को डील करूं, इसको उतार लिया आपने, ठीक है. सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है. मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में ऐसी बात आपको बताता हूं जिससे आपको किसी भी कंसल्ट, किसी भी नए बंदे से बात करने में आपको तकलीफ ज्यादा नहीं होगी. आपने देखा क्लास में नॉर्मल चीजों को मैं क्या करता हूं, बाइफरकेट कर देता हूं, ठीक है. तो इसको भी जरा बाइफरकेट करके देख लेते हैं. अर्थ प्लस आइटिस. अब कहते हैं कि आइटिस का मतलब क्या होता है, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन. और इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब किसने बोला था, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है, टिश्यू डैमेज. नहीं, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है पांच चीज, चार पांच चीज देखिए, पेन, रेडनेस, बर्निंग, स्वेलिंग और हीट. अगर ये पांच चीज कहीं पे है, जरूरी पांच के पांच हो जाए, तीन भी अगर है तो उसको हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं एक कि ये पांच के पांच कहां मौजूद होते हैं. चलिए छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए. आप सबको कभी ना कभी कोई सुई लग गया होगा, कोई कांटा लग गया होगा, कुछ खरोंच आ गया होगा, कभी हुआ है ऐसा? तो अगर कहीं पे ऐसे खरोंच आ जाए, ऐसे कहीं पे ऐसे थोड़ा सा खरोंच आ जाए, आपने देखा वो एक लाइन, रेड कलर की एक लाइन आ जाती है, और आपको ऐसा हल्का सा वो नॉर्मल पार्ट से थोड़ा सा सूज जाता है, तो भाई रेडनेस तो आपको दिख गया, स्वेलिंग भी दिख गया, जलन होती है वहां, सुई लगने से दर्द तो हो ही जाएगा, छुएंगे तो अंदर के पार्ट से गर्म भी लगेगा. तो एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे आपका ये पांचों सिम्टम्स वहां अवेलेबल होते हैं, जिसको हम आइटिस बोलते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन है. देखिए बहुत सारे आइटिस बताता हूं, यहीं पर अगर देखिए अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ठीक है, और कंजक्टिवाइटिस, स्टोमेटाइटिस, सुना है, टॉन्सिलाइटिस सुना है, कभी हेपेटाइटिस सुना है, तो आप तो समझ आ गया कि जहां पे भी आइटिस वर्ड लगा हुआ है, हेपेटाइटिस आपने सुना हो, हेपेटाइटिस हो गई थी, तो हेपेटाइटिस हो गया, तो आप अंडरस्टूड हो गया कि वहां पे ये पांच चीज में से जरूर पांच चीज या तीन चीज या दो चीज हो गया. तो अगर आपका, अगर आइटिस वर्ड आपको दिखाई देता है तो ये अंडरस्टूड हो गया कि वहां पे क्या हो रहा हो, ठीक है, क्लियर समझ आ गया. तो एक हम सबसे पहले क्लियर करते हैं आइटिस. अर्थ का मतलब होता है स्मॉल जॉइंट. तो अर्थराइटिस का मीनिंग क्लियर हो गया. अर्थराइटिस का मीनिंग क्या हुआ,
इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल जॉइंट. इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल जॉइंट का मतलब ये सब छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, तो ये सारे इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं. समझ आ गई आपको चीज, आइटिस में क्या चीज है, क्लियर हो गई. अब हम आते हैं अर्थराइटिस क्लियर. अब आते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस. रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसको आप नॉर्मल डिजेनरेटिव डिजीज नहीं है. क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस को मैं आर ए लिख देता हूं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस. ये ऑटो इम्यून डिजीज है. ऑटो इम्यून डिजीज, इसके अंदर बॉडी में इम्यून सिस्टम आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे सेल रिलीज होने लग जाते हैं, ऐसे कुछ एंजाइम्स रिलीज होने लग जाते हैं, जो क्या करने शुरू कर देते हैं, आपको पेन करना शुरू कर देते हैं. अब वो काम कौन सा प्रोडक्ट करेगा, कैसे करेगा, वो मैं अभी बता दूं. तो दिस इज व्हाट ऑटो इम्यून डिजीज. इसके अंदर आपके बॉडी के कॉम्पोनेंट, आपके बॉडी के केमिकल्स, बॉडी के एंजाइम्स ही बॉडी के सेल को क्या करने लग जाते हैं, डिस्टर्ब, इंफ्लेमेशन करने लग जाते हैं, वहां पे पेन करना शुरू कर देगी, सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं. अगर हम ये सोचते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, इसको अगर आप चाहते हैं 100% करेक्ट करना, 100% करेक्ट सिर्फ आप इनिशियल स्टेज में कर सकते हैं. अगर कैसे पता लगाएंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अब ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि कैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है या क्या है, मैं इस ग्लूकोसामाइन दूं या नहीं दूं. तो आपने देखो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप उसको हाथ ऐसे करने के लिए बोलेंगे ना, तो ऐसे हाथ करने के लिए आप बोलेंगे तो उसकी उंगलियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी. उंगलियां क्या दिखाई देगी, ऐसे एक तरफ से भागती, एक तरफ भागती हुई नजर आए. समझ आ गया, पैर की उंगलियां भी ऐसी हो जाएगी, एक तरफ आपकी भागती नजर आएगी, टेढ़े मेढ़े से दिखाई देने लग जाएंगे. तो अगर उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, एक दो बात है आपका इंटेलिजेंस ही ये बोलता है कि आप उससे पूछ लीजिए कि ऐसा तो नहीं बचपन से ऐसा आपकी उंगली टेढ़ी मेढ़ी है ना, ये थोड़ा सा दिमाग आप अपना चालू रखिएगा. ऐसे नहीं कि बस उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी देखिए अच्छा भाई उंगली तो ऐसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इंटेलिजेंस ही बनाए रखना चाहिए वहां पे, है ना. तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऑटो इम्यून डिजीज है, आपका इम्यून सिस्टम ही वहां पे ऐसे केमिकल्स और ऐसे एंजाइम्स रिलीज करने लग जाते हैं जो आपके सेल को वहां पे डिस्टर्ब करना शुरू. अब कहता है जी तीसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस, देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है इसको आप समझिए, ये डिजेनरेटिव डिजीज है. ये डिजेनरेटिव डिजीज है. अब डिजेनरेटिव डिजीज है, किस चीज का डीजनरेशन होता है उसको देखिए. जैसे मान लिया कि ये हड्डी है और ये आपकी, मैं घुटने की बात कर रहा हूं, ये दो हड्डियां, यहां दो हड्डी होती है, ऊपर एक हड्डी होती है, इसके बीच में ना यहां पे आप ये कह लीजिए कि यहां पे ना प्लेट्स पाए जाते हैं, क्या पाए, कार्टिलेजेस होते हैं. क्या होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं. आप ऐसा कह सकते हैं कि सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं. ये कार्टिलेजेस ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये कार्टिलेजेस डिजनरेट हो जाते हैं. अब अगर ये कार्टिलेज डिजनरेट हो गया तो ये हड्डी और ये हड्डी क्या हो जाएगी, आपस में रगड़ खाएगी, और जैसे रगड़ खाएगी वैसे आपको पेन होना शुरू हो जाएगी. ये जो ये कार्टिलेजेस है, इस कार्टिलेजेस को आपका ग्लूकोसामाइन फॉर्म करता है. समझ आ गई मेरी बात. तो अगर आपके हड्डियों में आप कैसे पता लगाएंगे, इसी से कैसे पता लगाएंगे, आप उसे घुटने में हाथ रखिए और उसको बोले भाई चलाइए जरा पैर, तो जैसे ही ऐसे पैर चलाएगा आवाज आ जाती है. समझ आ गई बात, सिंपल तरीका, सिंपल बिल्कुल मेथड बता रहा हूं. आप उसको ऐसे ऐसे दबा के देखना, अपनी उंगलियां ऐसे लगा लगा के देखना वहां, तो वो ऐसे ऐसे पीछे पीछे करने लग जाएगा, तो आप समझ जाएगा कि उसको क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है. और ऑस्टियोआर्थराइटिस केस है, आप ग्लूकोसामाइन दो, रिजल्ट देखो क्या जबरदस्त रिजल्ट आता है. चीज हमारे पास बहुत ही शानदार है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताओ मुझे.
और उसका तरीका तब पता लगता है जब हम डिजीजेस कम है। भाई कोई भी आदमी आपसे कोई इतना महंगा प्रोडक्ट लेके जाएगा तो कोई इतना महंगा प्रोडक्ट लेके जाएगा तो उसको क्यों आया आपके पास? इसलिए आया है कि वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो ठीक हो जाएगा तो भाई आपको पता लगा जी आपने फ्लेक्स ऑयल कहां दे दिया? फ्लेक्स ऑयल कहां दे दिया? ऑस्ट्रियो में। और हाँ, तो फिर आपकी कहानी थोड़ी सी हो जाएगी और आपको रिजल्ट। फ्लेक्स ऑयल के साथ एक खास बात आपको बताया था, तो फ्लेक्स ऑयल में एक खास बात होती है कि वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी थोड़ा आराम दे देती है, लेकिन ग्लूकोसामाइन बिल्कुल नहीं देती। समझ आ गई मेरी बात? तो ये चीज है। इसके बाद ये क्लियर, ये क्लियर। अब एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? कई लोगों को आपने सुना होगा कि जी, कई लोगों को आपने क्या सुना होगा कि गर्दन की हड्डी जुड़ गई, ठीक है? ये हड्डी होती है, ये हड्डी है, ये दोनों फ्यूज हो गई। तो आपने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं वो गर्दन ऐसे नहीं कर पाते, ऐसे नहीं कर पाते, और कई लोग होते हैं इस तरह बैंड हो जाते हैं आगे की तरफ, वो चलेंगे भी तो ऐसे बैंड हो गई चलेंगे। ये हड्डी कमर की हड्डी और यहाँ की हड्डी उसकी फ्यूज हो गई, क्या हो गया? नहीं सर्वाइकल नहीं बोलते, वो फ्यूज हो गया, क्या हो गया? वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये एंकाइलोसिस है, वो क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि जो ये आपके ये जो हड्डी है गर्दन की हड्डी है, यहां से जो नर्व्स निकल रही है ना दोनों तरफ, इस हड्डी का इस पे प्रेशर पड़ रहा है नर्व पे, और ये नर्व जहां तक रेडिएट होती है वहां तक फिर, जैसे यहां पे अगर दबड़ है तो ये पेन यहां तक रेडिएट हो जाएगा हाथ में, तो ऐसा अगर है तो वो आपका क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। क्लियर? समझ आ गई बात? यस नो? अब आप मुझे बताएंगे आर्थराइटिस क्या होता है? इंफ्लेमेशन ऑफ स्मॉल जॉइंट। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? Yes. Ankylosis क्या होता है? हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं। हड्डियां क्या होती हैं? बहुत बढ़िया। अब एक है यहाँ गाउट। अब कहते हैं गाउट, हमें पता होना चाहिए गाउट क्या होता है। गाउट को अच्छा चलिए एक बात बताइए, इसमें से कौन सा हिंदी में बात करें तो गठिया का रोग, ठीक है ना? तो हम आर्थराइटिस को गाउट नहीं बोल सकते। अभी आएंगे हम वहीं। तो कहते हैं जी गाउट को हम सबको गठिया बोल देते हैं। सबको गठिया मत बोलिए, कोई बंदा ढंग का सामने आपके पड़ गया तो आपके इंप्रेशन क्या हो जाएगा? खराब। सब गठिया, सब गठिया नहीं है, ये वाला गठिया, ठीक है? अब कहते हैं यहां क्या होता है गाउट में? यहां पे यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है और वहां पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन के जम जाते हैं। अब आप देखो कि ये आपकी, आप साइकिल चलाते हो, चेन होता है साइकिल में, अब चेन में ऑयल की जगह मैं रेत डाल दूं चलेगी कैसा रहेगा? जाम हो जाएगा, चला भी नहीं जाएगा, आवाज भी आएगी। अगर मैं चेन में, साइकिल के चेन या बाइक के चेन में मोबिल ऑयल की जगह रेत डाल दूं तो क्या डिस्कम्फर्ट नहीं होगा? एग्जैक्ट ऐसे ही क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो क्रिस्टल्स आपके कहां आ गए? यहां पे आ गए। अब आप समझ गए क्या होने वाला है? जॉइंट्स में रेत आ गए, यूरिक एसिड पे क्रिस्टल्स आ गए, तो जॉइंट में डिस्कम्फर्ट होगा या नहीं होगा? डिस्कम्फर्ट होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गाउट। क्या बोलते हैं? समझ आ गई बात? क्लियर है? टाइप क्लियर है जी? ठीक है, एक बार नाम बता दीजिए फटाफट, क्या क्या नाम है? पहले बीमारी गाउट, दूसरी आवाज नहीं आ रही, तीसरी टिप्स पे रखिए, टिप्स पे ऑस्टियोआर्थराइटिस और बल्सा क्या होते हैं? प्लेट्स होते हैं जॉइंट्स के, प्लेट्स होते हैं। प्लेट्स कैसे? वही फर्टिलाइजर्स के प्लेट्स होते हैं जो क्या होता है दबते दबते घिस जाते हैं या उसकी सूजन आ जाती है, उसकी सूजन आती है, ठीक है जी। अब हम उठाते हैं एक एक चीज को।
अब हम देखते हैं कि ग्लूकोसामाइन कैसे काम करता है। ग्लूकोसामाइन कैसे काम करता है? सबसे पहली बात है, ग्लूकोसामाइन इतना जॉइंट के लिए क्यों क्यों यूजफुल है, क्यों हम ग्लूकोसामाइन करते रहते हैं? तो ग्लूकोसामाइन हमारे ही बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। कहां कहां फॉर्म होता है? लॉन्ग बोन में फॉर्म होता है, बोन मैरो में फॉर्म होता है। ग्लूकोसामाइन एक हमारे ही बॉडी का एक केमिकल है, आर्टिफिशियल केमिकल नहीं, हमारी बॉडी का ही केमिकल है जो लॉन्ग बोन, बोन मैरो इनमें फॉर्म्स होता है। तो अब हमें कोई ह्यूमन बीइंग का तो ग्लूकोसामाइन मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स के जो कार्टिलेजेस होते हैं, उन कार्टिलेजेस से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ग्लूकोसामाइन निकाल लेते हैं एनिमल कार्टिलेजेस से, ठीक है, जिसमें क्या होता है, शेलफिश वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी समुद्र के जानवर होते हैं उनके उनके हड्डियों से हम लोग क्या निकालते हैं? ग्लूकोसामाइन। मार्केट में जो ग्लूकोसामाइन का आर्टिफिशियल भी होता है, ग्लूकोसामाइन सल्फेट और ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये दो ग्लूकोसामाइन मार्केट में भी अवेलेबल होता है हम। और ग्लूकोसामाइन एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, ये नॉन वेज है, क्या है? नॉन वेज, समझ आ गई बात? एक सिंगल प्रोडक्ट है मोदी केयर में, वेलनेस में, जो नॉन वेज है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स क्या है? वेजिटेरियन। लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, आपने देखा होगा टीवी का पेशेंट है तो डॉक्टर कहते हैं कि अंडा खा लो, अब जिंदगी में कभी अंडा खाया नहीं हो बेचारा, वो भी खा ले, तो कई बार ऐसी आफत आ जाती है जो आपको लेना भी पड़ जाता है, कई सारी चीजें होती है लाइफ में। तो ये ग्लूकोसामाइन एक्चुअली क्या क्या कर रहा है? ग्लूकोसामाइन देखिए, ये केमिकल रिलीज करता है, एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम ग्लूकोसा एमिनोसाइट्स होता है। क्या होता है? ग्लूकोसा एमिनोसाइट्स होता है, जो क्या करता है, अल्फा टीएनएफ, एक अनदर ग्लूकोसा अल्फा टीएनएफ रिलीज करता है। ये क्या करता है? जो आपका ऑटो इम्यून एंजाइम और ऑटो इम्यून जो सेल्स है इसको ब्लड के अंदर नहीं आने, समझ आ गई बात? क्या कर रहा है? ग्लूकोसामाइन एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम क्या है? ग्लूकोसो, ये क्या करता है? अल्फा टीएनएफ को रिलीज करता है जो ऑटोइम्यून डिजीज सॉरी एंजाइम और ऑटोइम्यून सेल्स को ब्लड के अंदर नहीं डालने देता। अब जब ये ऑटोइम्यून डिजीज है, कौन सा ऑटोइम्यून डिजीज है? कौन सा ऑटोइम्यून डिजीज है? ठीक है, तो अब आप बताइए मुझे, ग्लूकोसामाइन कहाँ यूज करेंगे? दिमाग लगा के बोलिए, ऐसे में कुछ बोलिए, अभी क्लास भी चल रही है, सोच सोच के बोले, सोच सोच के बताइए। देखिए अच्छा, एक बात हम थोड़ा सा बदलते हैं, ये ग्लूकोसामाइन क्या करेगा, ये आपका रिलीज करेगा, ठीक है, इसने ग्लूकोसामाइन ने क्या करना है, देखिए एक होता है मैंने आपको बताया डीजनरेटिव डिजीज, एक क्या होता है? ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है। तो डीजनरेटिव डिजीज में आपने देखा कार्टिलेजेस क्या हो गए? डीजनरेट हो गए, और कार्टिलेज डीजनरेट हो गए, तो कार्टिलेज डीजनरेट क्यों हुए? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कार्टिलेज डीजनरेट होने का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो उसको डीजनरेट करते हैं,
उस डिजेनरेट को आप रोकेंगे कैसे? कैसे रोकेंगे? कार्टिलेजेस को बनाने के लिए ग्लूकोसामाइन। तो आप ग्लूकोसामाइन को हम कहां यूज करें? डिजेनरेटिव केसेस कौन था? ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आप ग्लूकोसामाइन को कहां यूज करना चाहिए? कोई डाउट है इसमें? अगर आप डिजेनरेटिव डिजीज है तो आपने क्या यूज करना है? अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रही है? देखिए एक मिनट, मैं आपको फिर बता देता हूं, क्लास एक बार फिर देखो। अगर आपके पास दो तरह की डिजीजेस है, एक डिजेनरेटिव डिजीज है, एक आपका ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है? हम यहां एक बार फ्लेक्स ऑयल को भी लेके आते हैं, आपको क्लियर होता है फ्लेक्स ऑयल, ठीक है? हम एक बार अनदर चीज को लेके आते हैं, फ्लेक्स ऑयल को, ठीक है? और साथ में किसको लेके आते हैं? रेड जिंसन। अब देखिए रेड जिंसन क्या करता है आप बताइए? रेड जिंसन एक्चुअली क्या करता है? रेड जिंसन किसका नाम है? रेड जिंसन किसको बोलते हैं? कौन सा हार्मोन है? क्या है वो जिंसन जो है? रेड जिंसन वो है क्या? जिंसन कितना किसको बोलते हैं? अश्वगंधा। क्या है? अश्वगंधा। लेकिन बहुत तरह के अश्वगंधा होते हैं जिसमें जो रेड जिंसन होता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। मैंने आपको बताया फ्लेक्स ऑयल जो है ये आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस स्टार्टिंग में और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों में काम करता है, ठीक है? ग्लूकोसामाइन कहां काम करता है? ऑस्टियो में करता है। और ये रेड जिंसन आपका कहां करता है? सॉरी रिमेटॉइड आर्थराइटिस। देख लीजिए आप कैसे मैं बता देता हूं। ग्लूकोसामाइन कहां काम करता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। फ्लेक्स ऑयल कहां काम करता है? और अश्वगंधा का ये रेड जिंसन कहां काम करता है? समझ आ रही है? ये कैटेगरी आप डिवाइड कर सकते हैं, ये कैटेगरी डिवाइड हो सकती है आपकी। अब देखिए फ्लेक्स ऑयल कैसे करता है काम। फ्लेक्स ऑयल का लैटिन भाषा में पता है क्या बोलते हैं इसको? लैटिन वर्ड में फ्लेक्स ऑयल को लैटिन में बोलते हैं यूजफुल। अगर इसको लैटिन भाषा में कन्वर्ट करें इसके नाम को तो इसका मीनिंग आता है यूजफुल। अब कहता फ्लेक्स ऑयल में ऐसी क्या चीज है जो जॉइंट्स पे वो वर्क करते हैं? एक आध आप बता दीजिए मुझे। बहुत बढ़िया, ओमेगा थ्री। बस ओमेगा थ्री किसमें? फ्लेक्स ऑयल में। और बताइए कैल्शियम, और बताइए पोटेशियम, और बताइए फॉस्फोरस। कहता है अगर ये तीन चीज आपको मिलती है और एक चीज होती है मैग्नीशियम, क्या होती है? आपको लगता है कि ये सारी चीजें क्या बोन्स के लिए जरूरी है? है या नहीं? तो ये सारी चीजें आपको कहां से मिल रही है? फ्लेक्स ऑयल। प्लस में फ्लेक्स ऑयल खुद क्या है? लुब्रिकेंट। फ्लेक्स ऑयल खुद क्या है? लुब्रिकेंट। दूसरा ये क्या करता है? ओबेसिटी को रिड्यूस करता है। अब आप देखिए फ्लेक्स ऑयल अगर ये सारे काम कर सकता है तो जॉइंट्स के लिए ये सारी चीजें आपकी जरूरत है क्या? आपको लुब्रिकेंट नहीं चाहिए? क्या आपको ओबेसिटी कम? आपको पता है कि सबसे ज्यादा ओबेसिटी का इफेक्ट कहां पे आता है? अगर नीज आप किसी को सिर्फ किसी का वजन कम कर दीजिए तो घुटने की प्रॉब्लम उसकी 10% रह जाएगी। आपने अगर वजन नहीं कम किया तो कोई मर्जी दवाई देते रहिए उसका पेन कम नहीं हो सकता।
क्यों पेन कम क्यों नहीं होगा, ये हड्डी ये ऊपर से हड्डी और ये प्रेशर पड़ रही है, दोनों पास पास है, पेन कैसे कम हो जाएगी, कभी भी पेन कम नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? अच्छा ग्लूक ये समझ आ गई बात। तो ओमेगा थ्री, अब ओमेगा थ्री क्या होता है, बेस्ट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, रेडिकल्स हैं, उसका आपकी बॉडी में इंपैक्ट नहीं होता, तो फॉरेन पार्टिकल्स से डिफेंस करने की पावर आपको देता है। प्लस में कैल्शियम हड्डी के लिए जरूरी है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड। और ये सब आपको कौन दे रहा है, फ्लेक्सोल। तो क्या जॉइंट पेन का केस कोई आता है, क्या हम ये सोचते हैं कि फ्लेक्सोल देना चाहिए? फ्लेक्सोल को दिमाग में हमने एक सेट बना रखा है कि फ्लेक्सोल हमें क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, एक सिंपल हमने थिंकिंग बना ली है कि हमें कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए देना है, जबकि ये जॉइंट पेन के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, और एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों में यूज होता है, जो आपको अनजाने में तीर चलाना हो तो आपके लिए ग्लूकोसामाइन से ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है। एक बात ग्लूकोसामाइन के बारे में और आप समझ लीजिए कि ग्लूकोसामाइन कभी भी हायर लेवल डायबिटीज किसी को होता है, अगर डायबिटीज का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो तो कभी भी नॉर्मल, थोड़ा सा देखिए जैसे फास्टिंग है, फास्टिंग नॉर्मल हम बता रहे हैं 80, और खाना खाने के बाद कितना पीपी कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 130 140, ये तो आपका नॉर्मल रेंज है। अगर आपका फास्टिंग जा रहा है उसका हम ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, 170 प्लस जा रहा है, और ये आपका 200 प्लस जा रहा है, ऐसे केस में ग्लूकोसामाइन देके आप आफत मोल लेंगे और कुछ नहीं होने वाला, ऐसे केस में आपको ग्लूकोसामाइन नहीं प्रिस्क्राइब करना। तो ग्लूकोसामाइन देने से पहले आपको कई चीजें अपने दिमाग में सेटिंग बनानी पड़ेगी कि हम दे या नहीं। समझ आ गई क्लियर? यस। कि नहीं समझ आई? अब कहते हैं जी, अब हम आते हैं किस पे, रेड जिंसन पे। अब कहते हैं रेड जिंसन में, रेड जिंसन में क्या चीज है ये, रेड जिंसन दो केमिकल रिलीज करता है, एक क्या है जिंसेनो ग्लाइकल और एक है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है जी। अब देखिए ये दोनों का दोनों क्या करता है, ये दोनों आपके जितने भी आपके बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून सेल्स हैं, जो भी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून सेल्स हैं वो इसके सेक्रेशन को स्टॉप कर देते हैं। अब कैसे स्टॉप करता है, क्या काम करता है, उसको समझ लीजिए। देखिए ये ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलियां हैं, खून की नलियों में खून, देखिए एक होती परमियेबिलिटी, आपने देखा ना आरओ, आरओ आपका होता है ना मेम्ब्रेन लगा होता है, उस मेम्ब्रेन में कुछ चीजें पास हो सकती है बाकी नहीं हो सकती, इसलिए क्या होता है पानी आपका मीठा हो जाता है, गंदी चीजें एक तरफ रह गई और अच्छी चीजें एक तरफ आ गई, यही होता है ना, इसको हम बोलते हैं परमियेबल। क्या बोलते हैं परमेबल का मतलब है सब चीज चले जाएगी, सेमी परमेबल मतलब सेलेक्टेड चीजें जाएगी, और इनपरमेबल मतलब कुछ नहीं जाएगी। ये क्या काम करती है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी को कम कर देती है। अब कम कर देती है तो उससे ज्यादा चीजें पास नहीं हो सकती, तो वो जो आपका ऑटो इम्यून सिस्टम है, जो उसके सेल्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उसको ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं आएगा। अब जब वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं आएगा, पूरे एक एक सेल के अंदर, बॉडी के एक एक सेल के अंदर चीजें कौन कैरी करके लेके जाता है, ब्लड। और ब्लड के अंदर वो चीज आई नहीं तो मींस व्हाट, यू आर फ्री फ्रॉम द डिजीज। अगर वो चीज आई नहीं तो आपको क्या होगा, ये ऑटोइम्यून एंजाइम्स, ऑटोइम्यून केमिकल्स ब्लड के नहीं अंदर आया, क्योंकि ये इसकी परमेबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। जब परमेबल है नहीं तो जो सेल्स के बीच में जो केमिकल्स हैं वो ब्लड के अंदर नहीं आ सकते, परमिशन नहीं मिलती।
तो इस तरह आपका क्या हो जाता है, इसका इंपैक्ट कहां जाता है? अब बताइए, अब वापस वही क्वेश्चन है कि अब बताइए मुझे कि रेड जिम्सन आपको कहां रिक्वायरमेंट पड़ेगी? आरए में पड़ेगी। आरए मतलब क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है और ऑटो इम्यून एंजाइम्स को आपको ब्लड के अंदर नहीं लेते। समझ आई या नहीं आई? ग्लूकोसामाइन कहां यूज करेंगे आप? डीजेनरेटिव चेंजेस। क्योंकि ग्लूकोसामाइन कहां से निकला है? कार्टिलेज। और आपके बोन का कार्टिलेज क्या हो गया है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में डीजेनरेट हो गया। अगर बोन का कार्टिलेज डीजेनरेट हो गया तो कार्टिलेज को किससे रिप्लेस करेंगे? कार्टिलेज से रिप्लेस करेंगे। और कार्टिलेज कौन फॉर्म करेगा? समझ आ गई मेरी बात? क्या भी नहीं आई? ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब था बॉडी खुद अपने सेल के अगेंस्ट ही काम करने लग जाती है। ऑटो मतलब आपके इम्यूनिटी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो आपके बॉडी के सेल्स को खुद ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये बॉडी का सेल्फ खुद का ही प्रोसेस। बीमारी कौन सी होगी? जैसे गैप आ जाना? नहीं, टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी-मेढ़ी हो गई है तो समझ लीजिए कि वो कहानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके लिए आरएफ आरएफ फैक्टर चेक करते हैं। आरएफ बोलते हैं उसको, आरएफ फैक्टर चेक कराइए। अब पता लग जाएगा उसको तुरंत आप गोली चेक करा क्या हो जी, या आरएफ फैक्टर का रिजल्ट दिखा दो। तो जैसे आप आरएफ बोलते हैं, आरएफ फैक्टर बोलते हैं पूरा, आप उसको रिजल्ट देखो, आपको पता लग जाएगा कि वो केस रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है या नहीं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है तो सिलेक्शन आपके पास है, आप उसको क्या देते हैं? रेड जिंसन को सिर्फ एक ही बात भेजे में घुसा रखिए रेड जिंसन के लिए, ये तो मेल को देना है। अरे भाई अश्वगंधा है, किसी मर्जी को दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का अश्वगंधा मेल के लिए कोई जरूरी नहीं है, किसी मर्जी को दीजिए आप, कोई टेंशन नहीं। वो तो एकदम क्या मार्का लग गया उस पर कि भाई रेड जिंसन तो किसको देना है? जेंट्स को देना है। ऐसा कोई मार्का नहीं है, वो किसी को भी दे सकते। और नाम देखिए कितना सुंदर नाम है, हिंदी बात कर लेते हैं, अश्वगंधा। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, ऐसा चीज जो आपके जॉइंट को घोड़े जैसा कर दे वो अश्वगंधा है। पर सर ये फॉर अ टाइम बीइंग ही है रेजिडेंसी क्या? इट्स नॉट अ कंप्लीटली क्योर फॉर द किसी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कंप्लीटली क्योर सिर्फ इनिशियल स्टेज में हो सकता है, लेटर स्टेज में नहीं हो सकता। आपके ब्लड वेसल्स के अंदर अगर वो नहीं जा रहा है और आपको उसकी वजह से पेन नहीं हो रहा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस को अगर पेन ना होना तो आपके पैर धोखे देगा। पेन ऐसा होता है कि हिलना डुलना मुश्किल होता है, तो अगर उसका पेन ही कम करने में आप सक्सेस हो गए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में हम चलते हैं जी। कहां ये हो गया? ठीक है जी, अब हम लोग आते हैं कहाँ? कैल्शियम। तो मुझे लगता है कैल्शियम तो आप सबको पता है, कैल्शियम के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए हम बात करते हैं किसकी, जो मेजर पोर्शन है आपके मोदी केयर में, एक मेजर चीज है विटामिन, मल्टी मिनरल्स एंड विटामिन, जिसको हम ध्यान ही नहीं देते। ज्वाइंट पेन में क्या मिरेकल कर सकता है जरा देखें हम। देखिए हम एक मोटा मोटा लेके चलते हैं सर, ऐसा नहीं है कि वो अपना काम तो करेगी जगह जगह जाके, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातें होती है। देखिए सबसे नीचे क्या लिखा हुआ हमने, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। जिस आदमी का आध्यात्मिक तौर पे जो आदमी हेल्दी नहीं है उसका इलाज नहीं हो सकता। आध्यात्मिक तौर पे इलाज होने का, लेडीज को ये प्रॉब्लम क्यों होती है, उसको भय बहुत ज्यादा होता है। यार एक 50,000 रुपए मेरे लॉकर में ले ना जाए, कम ना हो जाए, ये भय है, ये बीमारी का कॉज है। अगर आप ज्यादा आप भय रहेंगे, लालच रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे तो बीमारी से आपको नहीं बचा सकते। मुझे लोग मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए मुझे कोई देख के। अच्छा मैं क्या लगता हूँ आपको, किस कास्ट का लगता हूँ? पंडित लगता
बनिया होगा सर बनिए वैसे अब पता नहीं आप लोग बोल रहे हो लेकिन कोई भी मुझे बनिया नहीं कहता मेरी हरकतों से क्योंकि मेरे पास जितने पैसे आते नहीं उससे पहले खर्च हो जाते बनिया एक पैसा खर्च करने में तैयार नहीं होता मेरे पास पहले ठीक है तो एक एक्चुअली मेरी जो भी है मेरे पास पैसा नहीं है है ना बनिए वो लोग कहते हैं बनिए रोज कहते हैं बनिए तो बनिए तो बनी जाएंगे बहुत बढ़िया तो कहते हैं जी आप विटामिन्स के बारे में बात करते हैं विटामिन्स में ऐसा क्या है जो जॉइंट पेन के लिए हमें इस्तेमाल करना है तो हम सिंपल सिंपल देखो स्टार्ट करते हैं एबीसीडी सबको पता है एबीसीडी के बाद ई भी आता है तो ए बी सी डी ई और के ठीक है मोटा मोटा विटामिन्स को लेके चलते हैं अगर आप मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल जो अपने को मोदी केयर में मिलता है उसको अगर उल्टा के देखेंगे तो ये आपको दिख जाए साथ में आपको वहां क्या दिखेगा आज ही देख लीजिएगा चेक कर फॉलिक एसिड अब कहते हैं ये एक एक चीज जॉइंट पेन में कैसे कैसे काम कर अगर हम विटामिन ए की बात करें तो ये हमारे क्या करता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है तो आपको समझ आ गया वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है तो ये किसमें देना किस कहां देना चाहिए आरएनए देना चाहिए ठीक है मतलब क्लास का कुछ फायदा हो गया तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है तो हम कहां दिमाग चला जाएगा तुरंत राइट विटामिन बी में एक हम सिर्फ लेके चलते हैं ऐसे तो है पूरा ग्रुप विटामिन अगर 12 को लेके चले तो इससे क्या ठीक होता है एनीमिया वीकनेस ठीक होती है आपको पता है जॉइंट पेन वाला आदमी वीकनेस तो आपको पता ही हिलना डुलना बचाने के लिए मुश्किल है कमजोरी आ गई है ना ब्रेन नर्वस सिस्टम lungs, heart. आपने सुना होगा कि आजकल बड़ा एक फैशन सा हो गया कि जी B12 इसको कम हो गया विटामिन डी कम हो गया ऐसा सुना है काफी प्रचलित हो गया कि जी विटामिन डी कम हो गया है B12 कम हो गया है तो जॉइंट पेन के केस में आप देखते हैं विटामिन B12 का इंजेक्शन देते हैं नहीं देते हैं और इंजेक्शन लेते ही दो दिन बाद वो पेशेंट कहता हां जी आराम आ गया जरूरत क्या यार हमारे पास तो है विटामिन दे दो उसको एक गोली उठा के रोज का एक गोली देखे तो देखो आप अब वो हो जाएगा जो आप सोच नहीं सकते जॉइंट पेन के केस ठीक है और आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए अच्छे से अच्छे बहुत शानदार जिसका नाम फैला हुआ है डॉक्टर का उसके पास जाइए क्या वो लगता है आपको उठा के विटामिन नहीं देने वाला लगता है वो पेंटासिड नहीं देने वाला देने वाला है जॉइंट पेन में पेन किलर देने वाला है फ्लेक्स ऑयल हमारा पता है आपको कितना बड़ा पेन किलर है फ्लेक्स ऑयल इज वन ऑफ द गुड पेन किलर इवन कैंसर के पेन को भी रिड्यूस करना हो ना फ्लेक्स ऑयल दे दो आप और अगर उसको आराम नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता लेकिन ऐसा नहीं कि बस एक फ्लेक्स ऑयल लिया उसके चारों तरफ घुमा के वापस लेने लगे तो फ्लेक्स ऑयल उससे कुछ नहीं होने वाला फ्लेक्स ऑयल देना है मतलब देना है दो गोली सुबह देना है दो दोपहर में देना है दो शाम को देना है भाई बीमारी है उसको अब देना पड़ेगा डोज देना पड़ेगा आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था दीवार है तोड़ना है तो थोड़ा मारना पड़ेगा सहलाने से दीवार टूटने वाला नहीं है तो एक पर्टिकुलर अगर बीमारी है तो उसको डोज दीजिए डोज दवाई का डोज होना चाहिए खाने के साथ खाने के बाद या बेस्ट है खाली पेट वो भी गर्म पानी के साथ अगर दें तो इम्पैक्ट तुरंत इम्पैक्ट करते हैं तो साथ में फ्लेक्स नहीं डिटॉक्स लेते हैं तो फ्लेक्स साथ में लेते हैं फ्लेक्स ऑयल को किसी के साथ मत लीजिए क्योंकि फ्लेक्स ऑयल ऑयली होता है ऑयली होता है जैसे ही उसके साथ वो मिलेगा उसको भी काम नहीं करने देगा तो फ्लेक्स ऑयल को किसी के साथ मत लीजिए तो जितने भी जेल फॉर्म है यानी वो सब सेपरेट देनी चाहिए कितना गैप होना चाहिए कम से कम आधा घंटा कम से कम गैप रखिए नहीं अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आपको मैं बता देता हूँ स्पाइरुलिना लेना और क्या करना दो गोली स्पाइरुलिना की ले लेना और आप फ्लेक्स ऑयल की ले लेना आप खाना थोड़ा 10 मिनट के बाद आपको पेट में डिस्कम्फर्ट होने लग जाएगा तो ऐसा ऐसा कारनामा भी नहीं करना है दवाई को हमें दवाई के जैसा लेना है शानदार तरीके से दिखना है डॉक्टर है यार डॉक्टर की तरह हम लोग उसको ट्रीट करेंगे कि हाँ जी ऐसे लोग सामने वाला लगे हाँ बंदा यार कुछ बता रहा है मेरे को और रिजल्ट तो आएगा डेफिनेटली ये तो मैं गारंटी देता हूँ आप देख लो
ये मेरी पर्सनल गारंटी है, रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब कहता है विटामिन सी, अब सी क्या करता है, ये सबसे अच्छा क्या करता है आपकी बॉडी को, डिटॉक्स करता है और कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है। देखिए आप लोग, हो सकता है कि आप में बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग यहाँ साइंस के नहीं होंगे, लेकिन ईश्वर ने ऐसी कृपा दे रखी है मुझे कि साइंस वाइंस से मुझे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आगे साइंस वाला बैठा है या नहीं बैठा। भाषा और ज्ञान को साइंस से कोई लेना देना नहीं, आपको चीज आपके हाथ में आ रही है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, वो सब चीज समझ नहीं आती, आप वो चीज समझ आ गई बात खत्म हो गई। तो कनेक्टिव टिश्यू देखिए क्या होता है, अब आप लोग हो सकता है साइंस के जो नहीं होंगे उनको पता ही नहीं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, भाई इसको भी तोड़ देते हैं तो हाँ कनेक्ट करने वाला, जब तोड़ तोड़ के देखिए उसको, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है जी, कनेक्ट करने वाला। अब क्या कनेक्ट करता है जी, बोन है, ये दो बोन है, इसको टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, है ना, टेंडन लिगामेंट्स होते हैं ना, बोन्स आप कहते हैं लिगामेंट क्रैक हो गया जी, डॉक्टर के पास जाते हैं कहते हैं लिगामेंट क्रैक हो गया होता है, तो कहते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू है, आपका ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, आपका लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है, आपका टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो कहते हैं विटामिन सी क्या करता है, आपके कनेक्टिव टिश्यू को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। पता लगा जी जो चल रहे हैं और पैर ही मुड़ जाता है, वो पैर जो आपका मुड़ जाता है तो क्यों मुड़ता है, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग आपके लिगामेंट्स और टेंडन स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर मांस फटना जो एक नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं, मांस फटना नहीं है, वो अलग चीज है। और विटामिन डी क्या करता है, आप सबको पता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जो आप कैल्शियम खाते हो अगर विटामिन डी नहीं ले रहे तो आप देखेंगे वो कैल्शियम आपका एज इट इज स्टूल से पास हो जाएगा, वो आपके बॉडी को नहीं लगेगा। तो विटामिन डी आपको क्या है, कैल्शियम को हम कहते हैं यार दूध दही पनीर पता नहीं क्या क्या खाते हैं, लगते नहीं शरीर को, मेरी हड्डियां फिर भी कमजोर है भाई, उसको उसको पकड़ के रखने के लिए क्या नहीं है आपके अंदर, विटामिन डी है। विटामिन ई के बारे में खास बात, बेस्ट पेन किलर विटामिन ई, आपको सुना होगा कैंसर के केसेस में वीट ग्रास जूस दिया जाता है, सबको बताइए बात, आज के टाइम में कैंसर और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल वाले भी वीट ग्रास जूस देने के लिए मना नहीं कर, उस वीट ग्रास जूस में ऐसा क्या है जो कैंसर को इफेक्ट आता है कैंसर पे और कैंसर के पेन पे इफेक्ट आता है, ये विटामिन ई है जो क्या है, बेस्ट पेन किलर, समझ आ गया। और विटामिन के ये आपको क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन वगैरह में हेल्प करता है कई जगह अंदर, ठीक है, प्लस में जो आपके सेल्स हैं जो कनेक्टिव सेल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है। फॉलिक एसिड आपको पता है, आयरन और फॉलिक एसिड पता है ना, ये क्या करेगा आपका हीमोग्लोबिन को बढ़ा, ठीक है जी। आपको लगता है इसके बिना किसी जॉइंट पेन के केस को ठीक कर सकते हो, बिना विटामिन के आप ठीक कर सकते हो किसी को, अभी मैं विटामिन है मल्टी विटामिन मल्टी मल्टी मिनरल्स, तो मिनरल्स को तो अभी डील ही नहीं कर रहा मैं, अलग से एक दिन विटामिन की क्लास ले लेते तो कहते हैं जी सिर्फ एक प्रोडक्ट विटामिन ही उठा ले, तो कहते हैं ये सारी चीजें अगर आप उसको नहीं दोगे तो वो ठीक नहीं। अब आइए आगे, अब हम देखते हैं यहाँ सबको एक बात की बड़ी हैरानी हो रही होगी, पुदीना क्यों लिख दिया, हम तो उसको ऐसे ऐसे कर देते पुदीना, चलो देखिए पुदीना का कमाल, एक घंटा हो गया मुझे अलार्म बज गया मेरा, ठीक है। अब देखिए जी पुदीना क्या करता है वो देखिए, क्लास की टाइमिंग फिक्स है ना,